साधु बनना आसान नहीं है। हम समझें कि साधु बनना बड़ा आसान है, बिल्कुल नहीं। श्री प्रभु जिसको चुनते हैं, क्योंकि भगवान कह रहे हैं नारद भक्ति सूत्र में, देवर्षि नारद कह रहे हैं कि भक्त में और भगवान में, संत में और भगवंत में, दोनों में कोई भेद नहीं। भगवान भी स्वयं कहते हैं साधु मेरा ही स्वरूप है। इसलिए भजन में जो लग जाए, कई लोग कहते हैं अरे आजकल तो ये नाटक बन चुका है, आजकल तो ये एक धंधे जैसा, ड्रामा जैसा बन चुका, नाटक है सब लोग। मैं तो कहूं कि चलो आप नाटक के लिए ही सही, आप साधु बन के दिखाइए नाटक के लिए। चलिए आप नाटक के लिए ही करिए कि हम नाटक कर रहे हैं। क्या इतना आसान है अपना सर्वस्व त्याग करके अपना भजन में लग जाना? फिर जरा सा कोई साधु, जरा सा कोई संत हमको कहीं थोड़ा बहुत अच्छा खाता, अच्छी गाड़ी में बैठा दिखाई दे जाता है तो हम फिर शुरू हो जाते अरे आप तो साधु हैं, आपको इस ये सब की क्या आवश्यक। बिल्कुल, साधु जो होता है ना संत, वो भले बड़ी गाड़ी में बैठता होगा लेकिन गाड़ी उसमें कभी नहीं बैठ सकती। संसारियों में बस वही फर्क होता है, संसारी गाड़ी में बैठते हैं लेकिन गाड़ी उनमें बैठी पड़ी रहती है, घर उनमें बैठा रहता है। साधु कहीं रहता है, वो कैसा भी बाहर से दिखाई देता है लेकिन। और मैं तो ये भी कहूं अरे भैया अगर कोई साधु थोड़ा बहुत अच्छा खाए, अच्छा रहे, अच्छा उसको रहने सहने को मिले तो ये तो होना चाहिए। ये जो संसारी, जो हार्ड मांस खाने वाले लोग हैं, ये जब इतनी तरक्की में घूमते हैं तब हम सब क्यों नहीं कहते, तब हम क्यों नहीं कहते कि अरे कितना पैसा कमा के कहाँ कहाँ। कभी आपने किसी फिल्म स्टार से पूछा कि इतना पैसा हम तुमको मूवियों में थिएटर में जाके देते कहाँ लगाते हो उसको, अपना सामान खरीदेंगे, अपना घर खरीदेंगे, कभी समाज के लिए कुछ किया? मैं किसी के विरोध में नहीं हूं, ना मैं किसी को बड़ा छोटा करने के लिए यहां बैठी हूं। लेकिन साधु आगे को उस, हम तो प्रयास करें कि जो साधु समाज को सब कुछ दे रहा है उसको हम ज्यादा से ज्यादा सुख दें, आनंद दें। आप ये मत समझना कि मैं व्यासपीठ पे बैठी हूं इसलिए मैं ये बात कह रही हूं। मैं साधु बिल्कुल नहीं हूं, ना मैं उनको अपने आप को श्रेणी में मानती हूं। लेकिन जो सच्चे महापुरुष है, जो सच्चे संत है, हमारा ये दायित्व बनता है कि हम उनको सुख प्रदान करें, अच्छी सेवा प्रदान करें। वो फिर उनका विषय है कि वो कैसे रहना चाहे, वो चाहते हैं या नहीं चाहते उन वस्तुओं को उपभोग करना। साधु भीतर से बना जाता है, हृदय का स्वभाव का नाम साधु है। सब्सक्राइब करें टोटल भक्ति को। अब हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।